सर आज हम आपको सफाई से जुड़े हुए दो गैजेट दिखाने वाले हैं, जिसमें से कि एक को रोबोट भी कहा जाता है और दोनों ही बहुत शानदार गैजेट हैं। आप उन्हें देखें सर, इस्तेमाल करें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया मैंने सर जी से किया कि मुझे भी ला के दे, तो आज सर जी ने मुझे जेंटलमैन बना दिया। सर ये वो वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट है जिसके मैं बात कर रहा था, ये रोबोट आपका मतलब घर के सारे काम कर देगा जो एक काम करने वाला इंसान करता है। ये आपका झाड़ू लगाएगा, पोछा लगा देगा, उसके अलावा ये मतलब आपका सारा कचरा निकालेगा और उसमें कचरा आप में एक डब्बे में मिलेगा आपको, बस डब्बा फेंकना रहेगा आपको और ऑटोमेटिक खुद चार्जिंग पे भी लग जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि इससे तो नौकरानी की जरूरत ही नहीं है, मशीन लगा चालू डब्बे में डाल दो, डब्बा एक तरफ तो कचरे वाला खुद उठा के ले जाए, बढ़िया है। तो और ऑटोमेटिक ये पूरे घर को आपके स्कैन कर लेगा और पूरे घर में एक एक कोने में जाके सफाई करेगा, खुद ही पहुंच जाएगा कचरे तक, खुद ही पहुंच जाएगा। और सामने कोई बच्चा आ जाता है या कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसका टूटने जा रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करके साइड में से निकल जाएगा। बुढ़ापे में हमारे चाचा की हड्डी टूटने का डर है, अगर ये इसके सामने आ गए तो ये क्या करेंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं है, अगर चाचा सामने आ भी जाएंगे तब भी ये उनको साइड में से उनको साइड करके आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब चाचा को प्रणाम करके आगे निकल जाए। मैं चाहूंगा बाबू आप अपने शुभ हाथों से इसको खोलें। क्या बात है, ऐसी बात नहीं है, अभी हम आपको इसको इस्तेमाल करके बताएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये सफाई करता है। मेरे चाचा वो अभी डब्बे में रखी है तो वजन तोलने की मशीन लग रही है, जब उसको खुलने दो जब पता चलेगा। तुम पहले ही बोल देते हो, वो ये कि खाना जब खाते हैं तो ठंडा करके खाते हैं, गरम खाएंगे तो क्या होएगा? अरे गरम खाने मजा आएगा, मुझे जल जाएगा। ये है वो चक्कर, थोड़ा तुम देखो तो। बड़ी भारी चीज है ये। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे सफाई के लिए छोटी छोटी सी झाड़ू भी दे रखी है। अच्छा, पीछे की तरफ ये जो नीला कपड़ा दिख रहा है आपको, इससे ये पोछा भी लगाएगा आपके घर का। पर ये तो बहुत छोटी झाड़ू है, कम से कम बड़ी दतानों की झाड़ू से सफाई हो तो बात। आप इसके साइज पे मत जाइए, ये सफाई बिल्कुल बड़े झाड़ू से भी बहुत बेहतरीन करेगी। देखिए हमारे लिए तो चमत्कार है, मेरे को तो अभी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, अब देखते हैं काम करेगी तभी यकीन कर पाऊंगी मैं तो। इसको यहाँ से अपन चालू भी कर सकते हैं और इसको आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं और आप फोन से कनेक्ट करेंगे। तो मतलब कहने का है कि इसमें वो लगा पड़ी कैसी कैसी लगा है, गाना बजेगा? नहीं 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 इसमें गाना नहीं बजेगा, आप चाहें तो आप गाना सुन के आराम कर सकते हैं और ये काम करेगी आपके। मतलब एक तीर से जोड़ दो और किसी भी कोने में बैठ के बट ऑर्डर दे दो। हाँ तो एक तीर से तो शिका, गाने भी सुन लो और अपना काम भी होता रहेगा और अपन एक जगह बैठे भी रहेंगे। यार मैं ये सोच रहा हूँ इसको आपको बस यहाँ से चालू करना है। ये हमारी मशीन चालू हो गई, यहाँ पे लाइट जल गई इसकी, अभी मैं इस बटन को दबाता हूँ। ये तो म्यूजिक बजने लगा। देखिए सर अब इसको हम आपको चालू करके बताएंगे, इसको आप फोन से भी चला सकते हैं। देखिए देखिए चालू हो गई मशीन अपनी, इधर देखिए मशीन चालू हो गई। Oh, look at that.
सर इससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अभी आपको सिर्फ डेमो दिखा रहा था। अभी हम इसकी एक पीछे फंक्शन है जिससे पोछा लगाती है, हम उसको निकाल देंगे तो बिल्कुल बढ़िया काम करेगी। दरअसल सर इसकी बैटरी जब भी डाउन होती है तो ये अपने आप ही अपने चार्जर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। अब सर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी हमने कचरा कर दिया है, पेपर के टुकड़े हैं, आटा है, कुछ धूल है और भी पहले से यहाँ पर काफ़ी कचरा मौजूद है। तो अब जो रोबोट है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस कचरे को सेंस करेगा और इसको बिल्कुल साफ कर देगा, वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिक अपने आप ही। ये चीज क्या है समझ नहीं। I am relocating, please wait. Locating complete. I'm resuming cleaning. ये वाह 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 जैसा कि सर आप देख सकते हैं इस रोबोट को हमने टेबल पर रख दिया है और बहुत सा कचरा भी बिखेर दिया है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से ये इस कचरे को साफ करता है और साथ में इसकी एक विशेषता ये है कि टेबल पर रखा होने के बावजूद ये नीचे नहीं गिरेगा। तो सर स्टार्ट किया जाए इसे। बिल्कुल ये तो कमाल ही हो गया। ये लो, ये झटके में साफ। अब ये जो चीज सर आपके सामने नजर आ रही है इसे कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। इसकी ये खासियत होती है कि ये हवा को बहुत तेजी से खींचता है अंदर की तरफ, तो धूल मिट्टी जाले ये सारी जो गंदगी है उसे ये अंदर खींच लेता है और घर की सफाई कर देता है। खास बात ये है सर कि आप देख सकते हैं इसमें पहिए भी लगे हैं, इसका वायर भी काफी लंबा होता है, तो आप इसको पूरे घर में घूम घूम के अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं। इसको सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले इन पाइप को एक दूसरे में जॉइन करना पड़ेगा, उसके बाद ये इसका आगे इसका मुंह है, आपको इसमें ये लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपको इसको इसमें अटैच करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये रेडी हो गया क्लीनिंग के लिए। आवाज
ये तो मेरे दाढ़ी बनाने का ही है, मगर ये कुछ ज्यादा बड़ा है, मगर ऐसा लग रही है कि दाढ़ी बनाने का ही है। मैं इसका प्रयोग करके देखना चाहूंगी क्योंकि ये तो वाकई समझ के बाहर है। आपके दिल की जो शंका है वो दूर हो जाएगी। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर बहुत सारा कचरा हमने डाल दिया है। अब हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से ये कार्य करता है। ये तो आपने गलत पंगा ले लिया, मेरे को नहीं लग सकता कि ये ऐसा साफ कर पाएगा। अब देखो ना कितना कचरा होगा, कितने साफ अरे मेरे चाचा, यही तो उसकी है कि अगर साफ होएगा तो मशीन पास हो जाएगी और नहीं होएगा तो फेल हो जाएगी। अच्छा, अब ये बताओ कि ये मशीन पास है कि फेल है? अरे बिल्कुल पास है, 100% पास है। आगे को यकीन नहीं हो रहा कि क्या हो गया। मतलब मशीन को देख के तुम्हें भी जोश आ गया तो तुम भी चलाने लगे? कोई चीज नहीं, नहीं, ये मशीन चलाने में ऐसी चल रही है मक्खन सरी की, और मुझे तो सच बोलूं तो आज ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रही हूँ। साहब क्या गजब कमाल की चीज देगी, अभी तक तो खाली सुना था कानों से कि मशीन ये कभी नहीं करती, आज साक्षी अपनी आंखों से देखा, देख के जल जाती है। वाकई में दुनिया में ऐसी चीजें आ गई है जो ऐसे तक काम कर सकती है, और घंटों में नहीं चंद मिनटों के अंदर। तो ये तो चमत्कार है, मैं इसको चमत्कार का ही नाम दूंगा और मैं इसको नमस्कार करता हूँ। जो आंखों से देखा वो यकीन है। यकीन है मुझे हाँ। तो पहले विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम करेगी, क्योंकि सच बोलूं ऐसी चीज तो सिर्फ ख्वाबों के अंदर ही सोच सकते हैं। और दूसरी बात, जितनी भी मशीनें आज तक यहाँ पर हमने इस्तेमाल की वो हमारे हाथ से की थी, और ये पहली मशीन है जो हमें कुछ करने ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ चालू करके छोड़ना है और अविश्वसनीय है। ये सूट इसका देखो, ये हेट इसका देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, साला ये तो साहब बन गया।